YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6 से 7 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कम करंट अफेयर्स को देखेंगे और उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम रोज़ इसी तरीके से करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं जिसका मुख्य सोर्स द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि होता है। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम PDF डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस नदी पे मंडल डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी नॉर्थ कोयल नदी या ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्थ कोयल नदी। वाई दिस क्वेश्चन? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने नॉर्थ कोयल नदी पर मंडल डैम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, जिससे झारखंड एवं बिहार में लगभग 1,11,000 हेक्टेयर लैंड पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और साथ में 24 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी लागत 1,622 करोड़ रुपये होगी। मंडल डैम, एक नज़र डाल लेते हैं मंडल डैम पे। तो 1972 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन 1993 के बाद बिहार वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। क्लियरेंस क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पलामू सेंचुरी है और जिसे बेतला नेशनल पार्क भी कहते हैं और बेतला नेशनल टाइगर रिजर्व भी है। तो इस डैम के बनने के कारण इस सेंचुरी के डूबने का खतरा था, इस कारण से क्लियरेंस नहीं मिल पाया था। अब केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नॉर्थ कोयल नदी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है, जो कि रांची के पठार से निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नॉर्थ कोयल नदी पूरा बेतला नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2, पाबुक चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी थाईलैंड की खाड़ी, ऑप्शन सी अंडमान की खाड़ी या ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन सी होगा और ये ऑप्शन डी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड की खाड़ी। वाई दिस क्वेश्चन? तो अभी हाल ही में थाईलैंड की खाड़ी में पाबुक चक्रवात आया था, जिससे रिगार्डिंग IMD ने अलर्ट जारी किया था। IMD दैट मीन्स कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पे है, ये पूरा हिस्सा थाईलैंड की खाड़ी है और यहीं से चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो IMD ने अनुमान लगाया था कि पाबुक चक्रवात उत्तर पश्चिम या पश्चिम होते हुए अंडमान द्वीप समूह पहुँचेगा, उसके बाद म्यांमार तट तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जाएगा, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये म्यांमार के तट तक पहुँचेगा। तो 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो जान लेते हैं साइक्लोन के बारे में या चक्रवात के बारे में कि IMD कितने प्रकार से साइक्लोन से संबंधित अलर्ट जारी करता है। तो 4 प्रकार के अलर्ट जारी करता है। नंबर 1, 72 घंटे पहले चक्रवात बनने और इसके उत्तरी हिंद महासागर में स्थिति के बारे में, इसकी तीव्रता और उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं तटवर्ती क्षेत्रों के नुकसान के बारे में अलर्ट जारी की जाती है। नंबर 2 पे 48 घंटे पहले तटवर्ती क्षेत्रों के खराब मौसम होने की संभावना के तौर पे अलर्ट जारी किया जाता है। इसके तहत चक्रवात की दिशा, तीव्रता आदि के कारण मछुआरों, आम आदमी, मीडिया तथा आपदा प्रबंधन को सतर्क किया जाता है। तीसरा, 24 घंटे पहले तटवर्ती क्षेत्रों में खराब मौसम होने की चेतावनी जारी कर दी जाती है, ताकि वहाँ के लोग अलर्ट हो जाए और अगर किसी भी आपदा की संभावना होती है या आपदा होता है तो जान माल की कम नुकसान हो। चौथी चेतावनी तब जारी की जाती है जब चक्रवात लैंड को टच करता है, उसके बाद यह बताया जाता है कि तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर किस किस स्थान में मौसम खराब होने की संभावना है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पाबुक चक्रवात यहाँ पे लैंड को टच कर रहा है, उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में भी जब कोई चक्रवात आता है तो लैंड को टच करता है, जिसे कह ले कि उड़ीसा को टच करता है या फिर पश्चिम बंगाल को टच करता है, तो उसके बाद उसके अंदरूनी हिस्से में कितनी आपदा आने की संभावना है या फिर आपदा की तीव्रता क्या होगी या फिर मौसम खराब होने की तीव्रता क्या होगी, तो उस संबंध में चौथी चेतावनी में अलर्ट जारी किया जाता है जब चक्रवात लैंड को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 3,
एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक गलत लिखा हुआ है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, सॉरी ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 2016 में इसे सातवां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय द्वारा यार्न बैंक स्कीम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन सी रोजगार मंत्रालय या ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो हाल ही में इसे स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, ने यार्न बैंक स्कीम को लॉन्च किया है। तो इससे क्या फायदे होंगे वो देख लेते हैं। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्पेशल पर्पज व्हीकल अथवा कंसोर्टियम को ब्याज मुक्त कॉर्पस फंड प्रदान करना है। इस योजना के तहत पावरलूम वीवर्स द्वारा निर्मित कंसोर्टियम को 2 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त कॉर्पस फंड दिया जा सकता है और धागे की बिक्री में मध्यस्थता तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ता के ब्रोकरेज चार्ज को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस फंड टू स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर कंसोर्टियम टू परचेज यार्न होलसेल प्राइस। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ यार्न स्कीम विल एलिमिनेट मिडिल मैन, लोकल सप्लायर्स, ब्रोकरेज चार्ज ऑन सेल्स ऑफ यार्न एंड बेनिफिट वीवर्स। ठीक है, 5, भारत ने कितने वर्षों बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीती है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 72 वर्ष, ऑप्शन सी 71 वर्ष या ऑप्शन डी 61 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71 वर्ष। अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीती है और ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा 1948 में किया था और भारत को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीत 1977-78 में मिली थी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत, श्रृंखला की बात नहीं की जा रही है, पहली जीत कब मिली थी, तो 1977-78 में मिली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस टेस्ट श्रृंखला के मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, तो मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सक्रिय खिलाड़ी के रूप में दूसरा सबसे ज्यादा गोल करने वाला फुटबॉल प्लेयर कौन है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी गर्ड मुलर या ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील छेत्री। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो अभी हाल ही में एशियन कप में थाईलैंड के खिलाफ छेत्री ने 2 गोल दागे और इस प्रकार वे नंबर 2 सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए सक्रिय खिलाड़ी के रूप में। ठीक है, तो सुनील छेत्री ने 101 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 64 गोल दागे हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम सबसे ज़्यादा 154 मैच में 85 गोल हैं। तो सबसे ज़्यादा गोल किनके हैं सक्रिय खिलाड़ी के रूप में, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। ठीक है, नंबर 7, माउंट विंसन पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो अभी हाल ही में अरुणिमा सिन्हा ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत पे चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग पर्वतारोही बन गई है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है और हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अरुणिमा सिन्हा को, क्योंकि दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को पर फतह की है। ठीक है, 4 जनवरी 2019 को अरुणिमा ने इस शिखर को छू लिया था। इससे पहले उन्होंने 2013 में एवरेस्ट फतह किया था। तो ये दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने एवरेस्ट को सबसे पहले फतह किया था और पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बन गई थी। शुरू में अरुणिमा एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2011 में एक दुर्घटना कारण उनका एक पैर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य जो है वो है
सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करना है। अब तक वे किन-किन पर्वतों पे चढ़ाई कर चुकी है? तो वे माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एब्रूस, माउंट कोसी उजको तथा माउंट अकांकागुआ पर चढ़ाई कर चुकी है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, माउंट अकांकागुआ किस महाद्वीप में अवस्थित है। अरुणिमा सिन्हा को 2015 में पद्मश्री तथा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। 2016 में उन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उन्होंने माउंट विंसन पे फतह की। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने असम समझौते के क्लॉज 6 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? ऑप्शन ए मेहुल समिति, ऑप्शन बी केजू बरुआ समिति, ऑप्शन सी बेज बरुआ समिति या ऑप्शन डी संगमा समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेज बरुआ समिति। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय पर्यटन सचिव एमजी बेज बरुआ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति समझौते के क्लॉज 6 के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। क्लॉज 6 में असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान तथा धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए संवैधानिक, कानूनी व प्रशासनिक प्रावधान है। यह समिति 6 सदस्यीय होगी जो निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करेगी। 1985 के बाद असम समझौते के क्लॉज 6 के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का अध्ययन करेगी। असमी लोगों तथा उनके स्थानीय भाषाओं व बोलियों को सुरक्षित रखने के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन करेगी। यह समिति असम सरकार के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण की मात्रा का भी अवलोकन करेगी तथा साथ में असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में असमी लोगों के लिए आवश्यक आरक्षण की मात्रा का भी अनुमान लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 70 अंकीय ग्रेडिंग सूचकांक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी एचआरडी मंत्रालय, ऑप्शन सी परिवहन मंत्रालय या ऑप्शन डी सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचआरडी मंत्रालय या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए 70 अंकीय ग्रेडिंग सूचकांक को लॉन्च किया है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसके द्वारा राज्यों के स्कूली शिक्षा प्रणालियों की कमियों अथवा कमजोरी पक्षों का आकलन किया जाएगा ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस सूचकांक के द्वारा राज्यों को यह पता चल पाएगा कि वे कहाँ पे पिछड़ रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके तहत राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली का आकलन 70 सूचकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रत्येक अध्यापकों की रिक्तियां, लीडरशिप पोजीशन पर सीधी नियुक्ति, स्कूल की अधोसंरचना इत्यादि प्रमुख हैं। इस सूचकांक में कुल 1000 पॉइंट होंगे और प्रत्येक पैरामीटर के लिए 10 से 20 पॉइंट दिए जाएंगे। सुधार कार्य में राज्यों की सहायता के लिए सरकार द्वारा अलग से फंड का भी प्रावधान किया जाएगा। 10, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी वियना या ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने 2030 तक वैश्विक विमान यात्रा में 100% वृद्धि का अनुमान लगाया है और भारत में 15 से 16 जनवरी 2019 को सभी के लिए उड़ान विषय पर वैश्विक विमानन सम्मेलन का आयोजन किया गया है या किया जाएगा। विश्व स्तर पर मध्यम वर्ग में लाखों लोगों के शामिल होने के कारण विमान यात्रा की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इस मांग को पूरा करने और विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से मुंबई में 15 से 16 जनवरी 2019 को सभी के लिए उड़ान विषय पर वैश्विक विमानन सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि
1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना सहयोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चीन के लूनर रोवर का क्या नाम है? ऑप्शन ए यू-22, ऑप्शन बी यू-22, ऑप्शन सी चैंग-4 या ऑप्शन डी वाइदू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू-22। व्हाई दिस क्वेश्चन? तो हाल ही में चीन के चैंग-4 लूनर प्रोब ने लूनर रोवर यू-22 को चंद्रमा के डार्क हिस्से में लैंड करवाया है। ठीक है, तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसने चंद्रमा के डार्क हिस्से में रोवर को लैंड करवाया है, क्योंकि अभी तक इस हिस्से में कोई नहीं पहुंच पाया था, इनफैक्ट नासा भी नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, यह रोवर चंद्रमा के अंदरूनी हिस्सों की खुदाई करेगा और वहां की मिट्टी, चट्टान तथा खनिज की जांच करेगा, और यह रोवर जो है वो मेड इन चाइना 2025 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।